हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टेक्निकल एस्के गुरु जी चैनल में। मैं हूं सुनील कुमार चौहान। दोस्तों आज हम पोल खोलेंगे बोबा ऐप का। दोस्तों ये शॉपिंग ऐप है, इसमें आपको मोबाइल से लेकर कपड़ा जूता हर चीज़ आपको मिल जाएगा। और इसकी हकीकत की सच्चाई क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इसमें जो भी सामान मिलता है बोबा ऐप में सही है कि गलत है, और क्यों इसमें सामान सस्ता मिलता है ये भी आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों कुछ दिन पहले एक हमारे सब्सक्राइबर हैं बोबा ऐप से मोबाइल फ़ोन खरीदे हैं, और मोबाइल जो था दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus, और वो उनको मोबाइल ऐप में एक कितने में मिला मैं आपको बता दूं, उनको पड़ा 10,378 रुपया, और इंडिया को उनको टैक्स देना पड़ा 4,400 रुपया। उनको टोटल पड़ गया दोस्तों 14,778 रुपया। और इस ऐप में बोबा ऐप में अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो डेबिट कार्ड से आपको पैसा पे करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो उनको 14,778 रुपये भर दिए अपने डेबिट कार्ड से, कट गया पैसा उनका। और अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus खरीदने जाते हैं मोबाइल के मार्केट में ऐसे दुकान में, तो आपको 52,000 से 53,000 रुपये में मिलेगा। तो सोचिए कितना डिफरेंट है, कितना फ़र्क है इस प्राइस में, बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो वहाँ से बोबा ऐप से मोबाइल फ़ोन तो खरीद लिए, और उनका जो मोबाइल फ़ोन है 15 दिन के बाद उनके घर पे गया। और जैसे गया मोबाइल फ़ोन तो बॉक्स से बाहर निकाले, उसमें सिम कार्ड डाले इंडिया का, तो उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था। जैसे मोबाइल ऑन किए तो उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था। कितना भी कोशिश किए, जो भी सेटिंग हो, सोचे कि सेटिंग में कोई प्रॉब्लम होगा, तो सेटिंग में जाकर पूरा छेड़छाड़ कर लिए, तभी भी नहीं आया। फिर मेरे पास कमेंट किए, उनका कमेंट आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, देख लीजिए कमेंट है। और जैसे वो कमेंट किए कि भाई मैं बोबा ऐप से मोबाइल फ़ोन लिया हूँ और उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तो जितने भी मेरे पास भी टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम था उनको बताया, सेटिंग में जाकर ये करिए वो करिए, फिर भी नहीं हुआ। वो बहुत परेशान हो गए। मैं भी 1-2 घंटा सेटिंग के पूरा खोज वोज लिया कि कोई उपाय निकलता है कि नेटवर्क आ जाए, उनके फ़ोन में नहीं आया। फिर मैं उनको दोबारा कमेंट किया कि भाई आप क्या कीजिए, मोबाइल के दुकान में जाइए और जो मोबाइल फ़ोन आप बोबा ऐप से लिए वो मोबाइल लेके जाइए मोबाइल के दुकान में, और मोबाइल वाले को पूछिए क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा सेटिंग देख लीजिए। तो मोबाइल फ़ोन के दुकान पे जैसे गए, वो मोबाइल फ़ोन दुकानदार को दिए ना, तो दुकानदार को तुरंत मालूम हो गया कि भाई ये जो मोबाइल फ़ोन है ओरिजिनल नहीं है, सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus ओरिजिनल नहीं है, इसमें का डुप्लिकेट है, समझ लीजिए चाइना है, ओरिजिनल नहीं है। जैसे कोई बच्चा का खिलौना लेके आते हैं ना, वैसे ही सैमसंग ये मोबाइल फ़ोन, इसमें आप नेटवर्क जब अगर सिम कार्ड डालते हैं तो नेटवर्क नहीं आएगा, इसमें इंटरनेट नहीं यूज कर सकते हैं, ना वाईफाई यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें अगर वीडियो MP3 सॉन्ग ये सब देख सकते हैं। अगर ओरिजिनल का मैं आपको शुरू में बताया, ओरिजिनल का जो है सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus उसका 52,000 से 53,000 रेट है इंडिया में। तो इसी से अंदाज़ा लग जाता है कि ये मोबाइल गलत है, ओरिजिनल नहीं है। तो फिर से दोबारा मेरे पास कमेंट किए कि भाई मैं तो बोबा ऐप का फ्रॉड का शिकार तो हो गया हूँ, कोई दूसरा हमारा भाई इस ऐप से फ्रॉड का शिकार ना हो, ना इससे सामान खरीदे, इस पर आप वीडियो बनाएं। तो मैं बोला ठीक है, इस पर वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि हर भाई लोग अपने मेहनत से पैसे कमाते हैं, और गलत जगह उनका पैसा यूज ना हो और सस्ते में कुछ सामान देख के जल्दीबाजी में ले लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे ऐप हैं, फेक ऐप हैं, उसमें आपको गलत सामान मिलता है और कम रेट में मिलता है, और हम कुछ ध्यान नहीं देते हैं और जल्दीबाजी में ऑनलाइन से खरीद लेते हैं। तो दोस्तों कभी भी बोबा ऐप जो है शॉपिंग ऐप, उससे आप सामान मत खरीदिए, क्योंकि हो सकता है आपका डेबिट कार्ड भी हैक हो सकता है, क्योंकि डेबिट कार्ड से जो पैसा पेमेंट कर सकते हैं करते हैं वो आपका बैंक अकाउंट भी हैक कर सकते हैं, आपका जो भी खाते में पैसा वो भी खाली कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप किससे शिकायत करेंगे? क्योंकि इसका जो ऐप बनाया, इसका मालिक का नाम ही नहीं है, कौन मालिक है,
बहुत मैं जाके सर्च भी किया इसका मालिक कौन है बोबा ऐप का, तो नहीं पता चला। तो दोस्तों कभी भी आप बोबा ऐप से शॉपिंग मत कीजिए, सामान सस्ता देखकर जल्दीबाजी में कोई भी सामान मत लीजिए। कोई भी सामान जैसे दुकान में जो मिल रहा है 10 रुपये का, अगर 8 रुपये का सामान है तो समझ लीजिए वो ओरिजिनल होगा। अगर आधे दाम में मिलता है ऑनलाइन में तो सामान ज़्यादा गलत हो सकता है। और हर जगह अपना डेबिट कार्ड का यूज मत कीजिए। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो घंटी सी आएगी उसको प्रेस कर दीजिएगा कि अगर मैं नया यूट्यूब पर वीडियो डालूँ तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपको मेरे से कोई ऐसे ही फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं तो मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कि दूसरे भाई लोगों को समझ आए और वो वीडियो देखकर कुछ सीखे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।